डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश के बैंकों को बुरे कर्ज के बोझ से हल्का करने के लिए सरकार ने अब एक बुरे बैंक की स्थापना की है। विराम। कहा जा रहा है कि व्यावसायिक बैंकों के डूबते कर्ज इस बैंक में डाले जाएंगे और वहां से ये कर्ज भले चंगे होकर वापस बैंकों में लौट आएंगे। विराम। यह पूरी प्रक्रिया कुछ नियमों के तहत संचालित होगी। विराम। यदि यह कोशिश सफल रही तो इससे बैंकों की सेहत सुधरेगी, कर्ज देने की क्षमता बढ़ेगी, कोमा उनका लाभ बढ़ेगा और अंत में अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। विराम। बैंक का नाम बुरा भले हो, कोमा लेकिन उद्देश्य भला है। विराम। हालांकि इससे बैंकों का भला होगा या नहीं, कोमा होगा तो कितना होगा और किसका होगा, कोमा ये अहम प्रश्न हैं। विराम। मार्च 2021 तक के बही खाते के अनुसार बैंकों पर कुछ 8,34,000 करोड़ रुपए का कर्ज बोझ है, जो गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी एनपीए के रूप में है। विराम। इसमें से 2,00,000 करोड़ रुपए की सफाई का काम बुरे बैंक को सौंपा गया है। विराम। पैराचिन्ह। बुरे बैंक का विचार सबसे पहले 1988 में अमेरिका में पिट्सबर्ग मुख्यालय वाले मेलोन बैंक ने पेश किया था। विराम। मेलिन बैंक ने अपने 1.4 अरब डॉलर के बुरे कर्ज को रखने के लिए ग्रांट स्ट्रीट नेशनल बैंक की स्थापना की थी। विराम। प्रारंभ में फेडरल रिजर्व ने इसे मंजूरी देने में आनाकानी को, कोमा लेकिन बैंक की सीईओ फ्रेक कहा एट के जोर देने पर अंत में उसे मंजूरी देनी पड़ी थी। विराम। बैंक अपने उद्देश्य में सफल रहा और निवेशकों को भी मुनाफा हुआ। उद्देश्य हासिल हो जाने की बात 1995 में इस बैंक को भंग कर दिया गया। विराम। इसके बाद समय समय पर कई देशों में बैंकों के बुरे कर्ज की सफाई के लिए बुरे बैंक स्थापित किए गए और वे अपने उद्देश्य में कामयाब भी रहे। विराम। साल 2008 की मंदी के दौरान भी अमेरिका और आयरलैंड में चूरे बैंक स्थापित किए गए और वे सफल रहे थे। विराम। लेकिन इंडोनेशिया में 1998 में स्थापित इंडोनेशियल बैंक रीस्ट्रक्चरिंग एजेंसी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाई। पैराचिन्ह। भारत में एनपीए की समस्या सामने आने के बाद आरबीआई के तहत तत्कालीन गवर्नर रघुराम राजन ने 2015 में बुरे बैंक की बहस शुरू की थी। विराम। आर्थिक सर्वेक्षण 2017 बुरे बैंक का विचार रखा गया और पब्लिक सेक्टर एसेट्स रिहेबिलिटेशन एजेंसी के तहत का सुझाव दिया गया। विराम। अंतरिम वित्त मंत्री के रूप में पीयूष गोयल ने बुरे बैंक के विचार को आगे बढ़ाते हुए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की संभाव्यता का अध्ययन करने के लिए सुनील मेहता के नेतृत्व में एक समिति बनाई थी। विराम। मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में NARCL का प्रस्ताव किया। विराम। RBI ने इस कंपनी को अब लाइसेंस दे दिया है। विराम। सरकार ने इस कंपनी के लिए बतौर गारंटी 30,600 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। विराम। इस कंपनी में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 51% स्वामित्व होगा। विराम। इसके अतिरिक्त सरकारी बैंक और
निजी वित्तीय संस्थान मिलकर एक इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी बनाएंगे और इस कंपनी में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी की सीमा 49% होगी। पैराचिन NARCL का लक्ष्य 2,00,000 करोड़ रुपए बुरे कर्ज की सफाई करने का है। विराम। पहले चरण में 90,000 करोड़ रुपए के बुरे कर्ज लिए जाएंगे। NARCL और बैंकों के बीच बुरे कर्ज की एक कीमत का 15% हिस्सा बैंकों को तत्काल नकद दे दिया जाएगा, कोमा बाकी 85% का जमानती बांड दिया जाएगा। बुरा बैंक जब बुरी संपत्ति का अधिग्रहण कर लेगा, कोमा उसके बाद IDRC इस संपत्ति का प्रबंधन करेगी और इसके अंतिम समाधान के लिए बाजार में उसकी कीमत बढ़ाने की कोशिश करेगी। समाधान से प्राप्त होने वाली रकम से जमानती बांड को नकदी में बदल दिया जाएगा। विराम। यदि बुरी संपत्ति की बिक्री से उतनी कमाई नहीं होती है, कोमा जितने पर बैंकों के साथ सहमति बनी है, तो अंतर वाली राशि की भरपाई सरकार करेगी। सरकार का अर्थ आम जनता होता है। विराम। यानी इस पूरी प्रक्रिया में जो भी घाटा होगा, कोमा उसकी भरपाई आम जनता को करनी है। विराम। असल मुद्दा यही है। विराम। जनता की कीमत पर कारपोरेट द्वारा पैदा किए गए घाटे की भरपाई बैंक आम जनता के जमा पैसे से चलते हैं। विराम। लेकिन बैंकों की तरफ से बांटा गया कर्ज जब NPA होता है और बैंकों की हालत पतली होती है, तो आम जनता पर दोहरी मार पड़ती है। विराम। एक तो उसकी जमा राशि पर ब्याज घट जाता है, कोमा दूसरे NPA की सफाई के लिए जो भी कदम उठाए जाते हैं, कोमा उसका बोझ भी उसे ही उठाना पड़ता है। विराम। लेकिन इस पूरे खेल पीछे का खिलाड़ी बगैर कोई नुकसान उठाए बच निकलता है। विराम। कई बार तो वह अलग कंपनी के जरिए दोबारा NPA का खेल खेलता है। विराम। बैंकों से कर्ज लेना, कोमा उसे NPA बनाना और फिर उसकी भरपाई का बोझ आम जनता के सिर डाल देना आज बाजार का सगल बन गया है। विराम। अफसोस इस बात का कि व्यवस्था इस खेल को रोक पाने विफल साबित हुई है। पैराचिन देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2003-04 से लेकर वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान सरपट भाग रही थी। विराम। 5 वर्षों की इस अवधि में औसत विकास दर 8.7% थी। विराम। 2006-07 में तो यह 9.6% पर पहुंच गई थी। विराम। बैंकों ने कारपोरेट घरानों को आंख मूंद कर बड़े कर्ज बांट दिए। कर्ज देने के दौरान परियोजनाओं का कोई आकलन करना भी जरूरी नहीं समझा गया। विराम। इसी बीच 2008 की मंदी आई और कई परियोजनाएं बैठ गई। विराम। कंपनियां कर्ज लौटा पाने में नाकाम रही। विराम। यहीं से बैंकों में बुरे कर्ज की समस्या शुरू हुई। विराम। बैंकों की सेहत बिगड़ने लगी, कोमा जिसके कारण उन्होंने बड़े कर्ज देने बंद कर दिए। विराम। अच्छी परियोजनाओं के लिए भी कर्ज मिलना मुश्किल हो गया। विराम। अर्थव्यवस्था नीचे जाने लगी। विराम। साल 2014 में सरकार बदल गई, कोमा लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। विराम। कई बैंक धोखाधड़ियां सामने आई और NPA बढ़ता गया। विराम।
आरबीआई के आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2008-09 से 2013-14 तक जो सकल एनपीए लगभग 5 लाख करोड़ रुपए था, वह वित्त वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक की अवधि के दौरान बढ़कर 18.28 लाख करोड़ रुपए हो गया। विराम, एनपीए में यह वृद्धि लगभग 365% बैठती है। विराम, सरकार और आरबीआई ने एनपीए के समाधान के लिए कई कदम उठाए, जिनमें 2015 की रणनीतिक कर्ज पुनर्गठन योजना, 2016 का इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड और सरकारी बैंकों के विलय और बैंकों के पुनः पूंजीकरण जैसे कदम शामिल हैं। समाप्त।